हेलो दोस्तों, मैं आपसे स्वागत करता हूं आपका TSF क्लास के छोटे से परिवार में। अब हमने जो अपना पिछला क्लास देखा था उसमें हमने पढ़ लिया एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन क्लास और एक्सरसाइज 1+1 के क्लास को। अगर अभी तक आपने वो पिछला क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ पॉज कीजिए वीडियो को, पिछले क्लास में जाइए, पिछला क्लास देखिए, देन नेक्स्ट क्लास पे आते हैं। ये जो क्लास होगा हमारा वो एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन क्लास। अब चलिए देखते हैं कि इस लेसन में हमको पढ़ना क्या। सिंपल सा इस लेसन में हमको जो देखना है वो अपना LCM होगा, यानी इस एक्सरसाइज में जो देखना है LCM। आप लोग इससे परिचित हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद से जो कुछ हम पढ़ेंगे उसको हम इस लेसन में LCM और SCF के ऊपर ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, और वो इस लेसन के स्टार्ट होता है हमारे एक थ्योरम से जो बुक में दिया हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? कहता क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्योर। मतलब क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक जो भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर यानी कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या होती है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, किस रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। यानी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं उनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इसको समझते कैसे, तो चलिए सबसे पहले इसको समझने से पहले आपने पिछले क्लास में, यानी जो फर्स्ट क्लास होगा उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास क्या होता है, कंपोजिट नंबर, जिसमें हल्का सा गलती हो गया था लिखने में, बाद में मैंने उसको बोला था सही कर लीजिएगा, वहाँ पे लिख दिया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप फर्स्ट वीडियो पे जाइए और फर्स्ट वीडियो में जाके देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। देन हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, दो नंबर यानी कंपोजिट मतलब होता है भाज्य संख्याएँ, और प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्याएँ। तो बाबू हमने इस चीज़ को देखा था कि भाज्य नंबर होता क्या है, तो मैं कह सकता हूँ सिंपल सा एक बात, अगर मैं अपने लोकल लैंग्वेज के बारे में कहूँ, ऐसी संख्या जो किसी से कट जाए, ऐसी संख्या जो किसी से डिवाइड हो जाए, वो सारी भाज्य संख्या होती हैं, और ऐसी संख्या जो किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ एक और अपने आप से डिवाइड हो, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल सा फंडा है यार, ज़्यादा कुछ वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें साइंस नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा साइंस है, सिंपल सा नियम है, अगर कोई संख्या एक और अपने आप की, क्योंकि कोई भी संख्या होगी एक से तो कटेगी कटेगी और अपने आप से कटेगी, एक से कटेगी, फॉर एग्जांपल 4 लेते हैं, एक्चुअली 4 को छोड़िए 2 को लेते हैं, 1 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा, 3 लेते हैं 1 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा, तो कोई भी संख्या ले लेते हैं वो एक से तो डिवाइड होगा ही एक होगा, अपने आप से भी कटेगा। तो ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से किसी अलावा किसी और से कट जाए, पहले लेसन पढ़े थे जैसे 4 हो गया, एक से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, उसके बाद से 4 से डिवाइड होता है, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाता है। प्राइम नंबर जो सिर्फ एक और अपने आप से कट दे, सबसे छोटी प्राइम नंबर याद है, याद है पहले क्लास में, जल्दी से कमेंट कीजिए, सबसे छोटी प्राइम नंबर, जी हाँ वही होगा जो आपने सोचा, तो उसके बारे में हमने चर्चा किया था, सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारी होती है। तो अब एक क्वेश्चन और आता है बच्चों के मन में, सर जो 1 है वो प्राइम है या कंपोजिट है, 1 जो है वो प्राइम है या कंपोजिट है। तो आप सिंपल सा जान लो बाबू, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, एक को ना तो हम प्राइम कहते हैं ना ही कंपोजिट कहते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर कम से कम 2 फैक्टर हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 होते हैं, 1 का सिर्फ एक फैक्टर होगा, तो इसको हम कंपोजिट या प्राइम नहीं बोलते। तो छोड़ दीजिए, 1 ना तो आपका प्राइम है ना तो आपका कंपोजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरम को समझ देखिए, चलिए इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए इरेज करते हैं। अब इस लेसन में जो आप LCM और SCF के बारे में देखोगे वो आप शुरू से या कह सकते हैं कि आप क्लास 6 से या 5 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि क्या होता है LCM, क्या होता है SCF, कैसे LCM निकालते हैं, कैसे SCF निकालते हैं। तो थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ LCM SCF के बारे में, ताकि आप उसको भी अच्छे से जान लो अगर आप नहीं जानते हो, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ LCM, इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको मैं कहता हूँ, या लसा कहते हैं, मौसा कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है ना। LCM को लिख सकते हैं लोवेस्ट, इसको लसा कहते हैं, आगे SCF को मौसा कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। दूसरा होता है HCF, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। तो अगर आप अभी तक एलसीएम और एचसीएफ से परिचित नहीं हो तो आप इसको ध्यान देना कि एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता क्या है और कैसे निकालते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ मल्टीपल होगा वो आपका एलसीएम होता है और जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ फैक्टर होता है वो आपका एचसीएफ होता है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ एलसीएम के बारे में इधर और इधर बात करता हूँ एचसीएफ के बारे में कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम जो अपना यूज करते हैं वो मल्टीपल मेथड यूज करते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टर मेथड और तीसरा जो होता है उसको हम कह सकते हैं डिवाइड मेथड। तीसरा कौन सा होता है? डिवाइड। इस तरह से इसमें हम बात करते हैं तो एचसीएफ में भी हम कह सकते हैं फैक्टर मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टर मेथड और तीसरा आपका हो जाएगा डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड पहले लेसन में एचसीएफ को हमने डिवाइड मेथड से सॉल्व करना देखा था कि कैसे एचसीएफ को हम डिवाइड मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्राइम मेथड क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, यहाँ पे फैक्टर क्या होता है और प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है। तो मैं आपके सामने कोई संख्या लेता हूँ, मान लीजिए मैंने अपने सामने संख्या लिया तो मैं ले लेता हूँ 24 and 12। अब मैं पूछूँ कि बताओ आप इसका एलसीएम क्या होगा, बट आपको बताना है प्राइम मल्टीपल मेथड से, देन प्राइम मेथड से, प्राइम मल्टीपल या प्राइम फैक्टर मेथड से और उसके बाद डिवाइड मेथड से। तो आप करोगे क्या प्राइम फैक्टर में मेथड में आप करते क्या हो या मल्टीपल? तो मल्टीपल में सबसे पहले करते, चलिए फर्स्ट वाला, तो आपने लिखा 24, आपने लिखा 12। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब कह सकते हैं गुणनफल या गुणा या पहाड़ा, जो आप पहाड़ा लिखते हो। तो सबसे पहले आपके पास 24 है और 12 है, आप 24 का टेबल लिख लो, 24 2 जा 48, ठीक है ना, 72 डैश, अभी छोड़ देते हैं आगे जो पड़ेगा तो आगे हम लिखते हैं 12 24 36 48। अब आपसे पूछा क्या है एलसीएम, तो एलसीएम में आपको करना क्या है, आप नाम से देखो लोवेस्ट कॉमन उभयनिष्ठ सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ होता है वो आपका क्या हो जाएगा मल्टीपल एलसीएम हो जाएगा। तो जरा आप चेक करो सबसे पहले जो कॉमन आपको डिजिट दिखाई दे रहा है वो डिजिट क्या है आपका 24, उसके बाद जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो क्या है 48, उसके बाद जो दिखाई देगा आपका वो हो जाएगा 96 होगा, इसके आगे हम बढ़ेंगे तो 96 होगा। तो आप एलसीएम के बारे में बात कर रहे हो तो जो सबसे छोटा कॉमन होता है, तो सबसे छोटा कॉमन क्या है 24, तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 24। तो ये मेथड जो आपका कहता है वो होता है मल्टीपल मेथड, यानी एलसीएम निकालने का मल्टीपल मेथड। करते क्या थे कि सबसे पहले हमने मल्टीपल लिख लिया, इसका पहाड़ा लिख लिया, आगे जो पड़ता अगर मान लीजिए यहाँ नहीं मिलता तो इस पहाड़े को हम आगे बढ़ा लेते, इस मल्टीपल को आगे हम बढ़ाते जाते, बट हमको यहीं पे मिल गया तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है और जो सबसे छोटा मैच होगा वही आपका क्या हो जाता है एलसीएम, है ना बाबू? क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है बाबू? छोटे बच्चे भी जानते हैं, क्लास 5-6 के बच्चे भी पढ़ते हैं ना श्रेया, पढ़ते हो ना? चलो अच्छी बात है, आदर्श पढ़ते हो ना? चलो आदर्श भी पढ़ाया है, श्रेया भी पढ़ी है, कोई बात नहीं, रोशन आप भी पढ़े हो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे, नेक्स्ट आप निकालते हो एचसीएफ। अब इसी नंबर का 24 और 12, इस नंबर का मैं एचसीएफ निकालते हैं और कौन सा मेथड है? वही फर्स्ट मेथड, इधर का मल्टीपल हो गया, इधर का हम क्या निकालते हैं फैक्टर मेथड से, क्लियर है, निकालते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। आशीष क्या कर सकते हैं यहाँ पे? चलिए कुछ नहीं, आप 24 का फैक्टर लिखो और 12 का फैक्टर लिखो, यही बात है ना, आगे 24 और 12 का फैक्टर। तो फैक्टर मतलब किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा और 24 से होगा, इसमें 1 2 3 4 12, ठीक है। अब ये इसका फैक्टर हो गया, आ जाओ काम खत्म। जब आपने यहाँ तक कर लिया तो आपको एचसीएफ का फुल फॉर्म याद रखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन तो होगा, इसमें क्या क्या कॉमन हो रहा है चेक करो, 2 कॉमन हो गया, उसके बाद 4 कॉमन हो गया, देन 12 कॉमन हो गया, ये तीन चीज़ें आपको कॉमन दिख रही हैं 2 4 and 12, बट फुल फॉर्म हाईएस्ट जो सबसे बड़ा कॉमन है वही इसका एचसीएफ होता है। तो सबसे बड़ा आपको कॉमन क्या दिख रहा है 12, तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा
12 यानी एलसीएम निकल के आया 24। एलसीएम में हम क्या देखते हैं, जो सबसे छोटा कॉमन होता है, और एचसीएफ में क्या देखते हैं, जो सबसे बड़ा कॉमन होता है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, मल्टीपल निकालते हैं यानी उसका पहाड़ा लिखते हैं। फैक्टर में क्या करते हैं, उसका फैक्टर करते हैं, देखते हैं वो किससे किससे डिवाइड होता है। तो ये मेरा नंबर, ये मेरा तरीका था, एक था मल्टीपल मेथड, दूसरा फैक्टर मेथड। एक एलसीएम के लिए होता है, दूसरा एचसीएफ के लिए होता है। इसमें मैं छोटे वाले को करता हूँ, इसमें बड़े वाले को करता हूँ। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट मेथड था। नेक्स्ट इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई परेशानी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से पिन कीजिए। चलिए इरेज करते हैं इसको। अब दूसरा जो मेथड हमको पढ़ना है वो मेथड हमारा होगा प्राइम फैक्टर मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड मेथड, यानी उसके द्वारा हम कैसे करते हैं। एक बात याद रखिए, किसी भी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अभाज्य संख्याएँ आती हैं। अभाज्य संख्याएँ तो हो जाएगा सबसे छोटा 3, 5, 7, 11, 13, ……, ऐसे चलेंगी, सारी की सारी अभाज्य संख्या ही आते रहती हैं। अब हमको करना क्या है, अब लिखना है आगे एलसीएम। एक साइड हमारा क्या था, एलसीएम, दूसरे साइड क्या था, एचसीएम। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड, चलिए वही नंबर है हमारे पास 24 और 12। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, कई लोग इसको जैसे अभाज्य गुणनखंड में आपने यहाँ पे 24 लिखा और दूसरे साइड आपने क्या लिख लिया, 12 लिख लिया। एचसीएफ निकालना है इसी का, 24 एंड 12 का। तो आप फिर वही काम करोगे, एक साइड आपका 24 रहेगा और दूसरे साइड क्या रहेगा, 12 रहेगा। कई बच्चे या कह सकते हैं उनके मन में डाउट होता है या कई बार गलती करते हैं, इसको वो एलसीएम बोलते हैं। सिंगल डिजिट में आप निकालते हो, आप उसको एलसीएम बोलते हो। तो ना बाबू, वो एलसीएम नहीं है, आप उसका प्राइम फैक्टर कर रहे हो। एलसीएम या आप इसको डिवाइड विद इन पढ़ेंगे कैसे एलसीएम बोलते हैं, बट अभी आप प्राइम फैक्टर कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हैं ना। तो प्लीज़ ये काम करना, इसको एलसीएम मत बोलना। कई बार कहते हैं बच्चे, सर 24 का एलसीएम निकाल दें, सर 12 का एलसीएम निकाल दें, सर 36 का एलसीएम निकाल दें। अरे भाई, एलसीएम मतलब क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कॉमन 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 बात को समझो। कॉमन आएगा जब, कब कॉमन आएगा, जब सर आपके पास दो डिजिट तो हों, दो नंबर्स तो हों। आप एक नंबर में 24 में कहोगे सर एलसीएम निकाल दें, कॉमन कैसे निकालोगे भाई, कहाँ से 24 में कॉमन आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करो कि कॉमन कब आ सकता है, दो नंबर होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं फैक्टर करना। फैक्टर करना, वो भी कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टर करना। केवल प्राइम नंबर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 12 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा 6 बार में, फिर 2 से होगा 3 बार में, फिर 3 से होगा कितने बार में, 1 बार में। अगर आपके मन में डाउट आता होगा, सर ये 24 था डायरेक्ट, हम 6 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, ना ना गलती ना करना बच्चा। यहाँ पे आप प्राइम फैक्टर कर रहे हो, तो नंबर भी सिर्फ प्राइम आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट है, वीडियो नंबर 1। आ जाइए 12 का, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1 लिख लेंगे ज़रा। 24 का क्या क्या आया है, तो 24 का आया है 2 × 2 × 2 × 3। 12 का क्या आया है, तो आ जाएगा 2 × 2 × 3। अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, 2 3 बार है, 3 टाइम है, 2 पे पावर 3 इंटू 3। यहाँ पे 2 2 बार है, तो 2 पे पावर 2 इंटू 3। ये काम हो गया। अब मुझे लिखना क्या है, एलसीएम। चलिए इससे पहले इसी को भी जरा हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे वही काम है, 12 6 3 3, यहाँ से 2 से 6 3 3 1 हो गया। यहाँ पे हो गया 24 का क्या क्या आया, 2 2 2 × 3। 12 का क्या आया है, 2 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 × 3। अब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। चलिए दोनों चीज़ हमको मिल गया, क्या करते हैं एलसीएम में, क्या करते हैं एचसीएफ में। एलसीएम में आपको करना क्या है, आप सिंपल सा नंबर देखो, कोई ऐसा नंबर जो दोनों में दिख रहा हो, ठीक है ना। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एचसीएफ में क्या कर, एलसीएम में क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन हो रहा है उसको लिखते हैं। बट एक चीज़ याद रखना है, एलसीएम जब आप लिखते हो ना, तो जो कॉमन नंबर होता है ना, कॉमन नंबर, उसका हाइएस्ट पावर लिखते हैं, यानी जो सबसे बड़ा पावर होता है, सबसे बड़ा घात होता है, किसमें, एलसीएम में, हाइएस्ट पावर, सबसे बड़ा घात। बट जो एचसीएफ लिखते हैं ना एलसीएम के बाद, तो इसमें जो लिखते हैं वो लिखते हैं लोवेस्ट कॉमन पावर, जो सबसे छोटा पावर होता है। इसमें हाईएस्ट पावर के बाद जो अदर नंबर बचता है उसको भी लिख के मल्टीपल करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ लोवेस्ट पावर जो कॉमन होता है बस उसी को लिखते हैं। चलिए समझते हैं कॉमन क्या क्या है। 2 है यहाँ पे, इसमें भी 2 है,
और यहाँ पर भी 2 है। एक काम क्लियर है। अब करना क्या है, आपको चेक करना है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, तो इस पे 3 है, इस पे 2 है, तो जी किसको लिखोगे, अभी पढ़ें हाईएस्ट पावर यानी 2 पे पावर 3। नेक्स्ट उसके बाद से कॉमन क्या हो रहा है, 3, तो 3 कॉमन हो रहा है तो पावर दोनों एक ही है, तो एक ही बार लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय द वे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 7 होता, कोई नंबर ऐसा रहता कि इसमें 7 आ गया हो और इसमें 11 आ गया, तब क्या करते, तो बाबू आप इस 7 को भी यहाँ पे लिखते और इस 11 को भी लिखते हैं, जो सिंगल बचते हैं आप उसको भी लिखते हो, बट अभी है नहीं तो अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। 2 पे पावर 3 यानी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 8, 8 × 3 कितना आ गया 20, एंड जो इसका एलसीएम निकल के आ गया वो 24, पिछले मेथड से भी आया था, इस मेथड से भी आएगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉमन देखते हैं, बट कॉमन का जो सबसे छोटा पावर होता है सिर्फ कॉमन वाला देखते हैं, इसमें कॉमन नहीं अगर रहेगा उसको भी लिखते थे, इसमें लिखते हैं सिर्फ कॉमन, कॉमन का सबसे छोटा पावर। तो कॉमन क्या क्या है, एक यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है 2 और यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 3, तो कॉमन दो चीज़ें हैं, छोटा पावर तो 2 पे कितना लेंगे 2, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कॉमन कितना हो जाएगा 2, एक और कॉमन हो रहा है 3 कॉमन हो रहा है तो 3 को भी लिख लेंगे, तो आपका आ गया 2 × 2 = 4 × 3, 4 × 3 = कितना आ गया 12, यानी जो एचसीएफ निकल के आ गया वो मेरा कितना आ गया 12। इस तरह से मेरे पास ये सेकेंड मेथड था जिसको हमने कहा प्राइम फैक्टर मेथड, और इस एक्सरसाइज में हमको यही मेथड लेके चलना है एलसीएम और एचसीएफ के लिए। इसमें कौन सा कहेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड, यानी हमको इसी मेथड से करना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। अगर आपसे कुछ ना कहे, सिर्फ कहे कि प्राइम फैक्टर कीजिए, सिर्फ कहे कि 36 का प्राइम फैक्टर कीजिए, तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर कर दो ना यार, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, क्या लिख दोगे 36 का, 2 × 2 × 3 × 3। कई बच्चे कहते हैं सर इसका मल्टीप्लाई करके लिखें, अरे भाई मल्टीप्लाई करेगा तो फिर यही आएगा, कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्राइम फैक्टर कहेगा तब होगा, जैसे ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला सवाल होगा शायद, वो सिर्फ आपको क्या करना है, फैक्टर करना। तो इस तरह से आपका ये सेकेंड मेथड हो, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड मेथड पे, डिवाइड मेथड, प्लीज चलिए इरेज करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। बाबू साथ साथ नोट करते रहिए ताकि आपको शुरू से बोला जाता है पढ़ते वक्त कॉपी कलम हाथ में, कॉपी कलम हाथ में होगा तो फिर आपको समस्या नहीं होगी, बाद में भी नहीं होगी, इस समय भी नहीं होगी, नहीं तो फिर आप अभी तो पढ़ लोगे, अभी बहुत अच्छे तुरंत बहुत अच्छे समझ में आता है। एक बात हकीकत है, कोई भी हो तुरंत बहुत अच्छे समझ में आता है लेकिन बाद में सारा कन्फ्यूज करता है। देखो बाबू पढ़ाई करते वक्त मजाक नहीं होना चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई मन से करो, उसमें कोई आप बहाना मत लेना, एक्सक्यूज मत लाना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये साधन नहीं है, मेरे पास वो साधन नहीं है, मैं क्या करूँ। क्योंकि आप अपने आसपास अगर ईमानदारी से आप खुद से पूछोगे कि क्या आप उतना एफर्ट कर रहे हो जितना आपको एफर्ट करना चाहिए, और आपके मन से आएगा ना आप उतना एफर्ट कभी करते ही नहीं हो जितना आपको एफर्ट करना चाहिए। आप करोगे क्या, हम कह सकते हैं नॉर्मल से लोग करते क्या, बहुत सारे लोग वो एफर्ट नहीं लगाना चाहते, वो सोचते हैं कि बिना एफर्ट किए उनको आ जाए। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ तो क्या मैं ऐसा करता कि मैं उठूँ ना, मैं बैठा रहूँ, मैं खेलता रहूँ और आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाए, नहीं हो सकता। उसके लिए उठ के आना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको वीडियो होगा। तो आपको भी अगर नॉलेज चाहिए तो हम कह सकते हैं हमारी टीम जब इतना कर रही है, वो इतना मेहनत कर सकती है, तो आपको भी थोड़ा सा आपको हेल्प करना पड़ेगा। आप भी उठो थोड़ा आगे, आप भी आओ और आप भी इसको क्या करो, मन से थोड़ा पढ़ो। क्योंकि आप जब पढ़ोगे आपका जब जवाब निकलेगा, आप जब रिप्लाई करोगे यानी जब आप कमेंट करते हो या जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप जवाब दोगे ना, तब अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ हमारी मेहनत भी क्या कर रही है, रंग ला रही है। नहीं तो आप वीडियो देखते जाओगे, रखे रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना नोट किए, ना कुछ किए, ना सवाल किए, तो फिर हमको भी थोड़ा निराशा होती है। बट आप पढ़ते रहो, हम भी अच्छे लगे, हमको भी अच्छा लगेगा। चलिए फिर वही काम, नेक्स्ट देखते हैं एचसीएफ। अब अगला जो मेथड हमारे पास होगा वो डिवाइड मेथड होगा, यानी इसके लिए भी डिवाइड मेथड, इसके लिए भी डिवाइड मेथड। क्या करते हैं, इसको तो हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था। डिवाइड मेथड में करते क्या है, दोनों को एक साथ लिखते हैं 24, 12 कर दो, 2 से 12 कटता है ये भी 6, 2 से पढ़ते हुए आ रहे हो 6, ये 3, 2 से 3 ये नहीं कटेगा, 3 से दोनों डिवाइड हो जाएगा 1 × 1, यानी एलसीएम क्या निकल के आ गया 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 24, यही आंसर, सेम आंसर, जब क्वेश्चन सेम है। इसमें क्या करते हैं, पढ़े हुए हो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 12 से कट गया 24 बार में, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया
12। अगर वही काम है पहले एक्सरसाइज में नहीं कटता तो इसको तब तक काटते जाते हैं जब तक हमारा एस रिमाइंडर कितना नहीं आ जाता, जीरो आ जाता। अगर इसमें कोई डाउट होगा जो पहली बार देख रहा है तो वह पहले जाकर इसके पिछले वीडियो को देख लेगा ताकि उसका डाउट सारा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपका LCM और SCF निकालने के लिए तीन मेथड थे जिन तीनों मेथड का हम यूज करते हैं और हम अपना LCM और SCF निकालते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपका आएगा, LCM और SCF निकालने को तो आएगा, LCM और SCF चलिए इरेज करते हैं, LCM और SCF निकालने को तो आएगा, बट उस LCM और SCF को आप वर्ड के रूप में देगा। यानी आप कह सकते हो कि जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे आपको कैसे पता चलेंगे कि कहाँ LCM निकालना है और कहाँ SCF निकालना है। तो याद रखना वर्ड प्रॉब्लम में जब भी आप करोगे तो क्या क्या आप देख कर बता सकते हो कि वो करेगा। सबसे पहले काम, अगर कहीं पर डिवाइड करने के लिए बात कर रहा है तो आप वहाँ पे निकालोगे, सॉरी अगर आपसे कहीं पे डिवाइड के बारे में बात कर रहा है तो आप वहाँ पे SCF निकालोगे। कोई क्वेश्चन में कह दे कि ये इतने से डिवाइड करता है, ये करता है, वो करता है, तो वहाँ पे। अगर आपसे हाईएस्ट लिख दे कहीं क्वेश्चन में, आपको पहचान बता रहे हैं, यहाँ पे LCM और SCF निकालने के लिए वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होंगे, वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होंगे, अगर कैसे पता करेंगे कहाँ पे SCF निकालेंगे कहाँ पे LCM निकालेंगे, तो उसके लिए बता रहे हैं। अगर कहीं पे आपको डिवाइड दे दे, हाईएस्ट दे दे, या आपसे कह दे लार्जेस्ट दे दे, या तो कह दे ग्रेटेस्ट दे दे, ठीक है, हाईएस्ट, डिवाइड, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, ये सब संख्याएँ दे दे, तो आप कहोगे कि वहाँ पर आप क्या निकालना है SCF। या हम कह सकते हैं हिंदी में अधिक से अधिक दे दे, अधिक से अधिक दे दे, बड़े से बड़ा दे दे, बड़े से बड़ा, यही है हिंदी है, ठीक है ना। यानी वो भाग करने के लिए बोल दे, सबसे बड़ा पूछ दे, बड़ा पूछ दे, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, मैक्सिमम, अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा। अगर ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में देता है तो आप सिंपल सा कुछ नहीं करोगे, आप वहाँ पे सिंपल सा निकालोगे किसका, SCF। लेकिन अगर वही कह दे डिविजिबल बाई, यानी विभाजित होता है, अगर क्वेश्चन कर रहा है जो डिवाइड करे, अगर वहाँ पे दे दे तो SCF है, लेकिन अगर कहे कि वो इतने से विभाजित होता है तो डिविजिबल बाई याद है, तब आप करोगे LCM। दूसरा हाईएस्ट था ना, लोवेस्ट कर लो, लार्जेस्ट था ना यहाँ पे, यानी आप कम से कम के बारे में जब भी बात करेगा तब वहाँ पे करोगे, यानी लोवेस्ट कर लो, स्मॉलेस्ट कर लो, लिस्ट कर लो, स्मॉलेस्ट, उसके बाद से लिस्ट, लिस्ट, मिनिमम कर लो, मिनिमम यानी कम से कम के बारे में, मिनिमम यानी कम से कम कर लो, हिंदी में कहते हैं कम से कम, कम से कम, या हम कह सकते हैं अगर इसके बाद से बड़ा था ना तो छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि अगर हमको क्वेश्चन में वो बोलता है कि ये डिवाइड करता है हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा, तो वहाँ पे SCF निकाल दोगे, डिविजिबल बाई, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, लिस्ट, मिनिमम, कम से कम, छोटे छोटा, ये सब चीज़ें बोले तो आप वहाँ पे सिंपल सा LCM निकाल दो। तो ये हमारा था पहचान, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है बाबू। जब वर्ड प्रॉब्लम, ये हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आप टेंथ के लिए होगा, ये किसी भी जगह पर जाओगे, आप आगे बढ़ोगे, कंपटीशन जाओगे, वहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन निकालते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से कर लोगे, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो, तो आपको आसानी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब इसके बाद आप करते हो तो एक बात आपसे आता है, फ्रैक्शन वाले वर्ड आएंगे, फ्रैक्शन, भिन्न, फ्रैक्शन आ जाएगा। अब कहेगा फ्रैक्शन है तो उसका SCF क्या होगा, फ्रैक्शन है तो उसका LCM क्या होगा। हमने तो आपको बता दिया फ्रैक्शन में दो चीज़ होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि एक होगा न्यूमरेटर और दूसरा होगा डिनोमिनेटर, अंश और हर दे देगा, तब क्या करेंगे, कैसे SCF निकालेंगे, कैसे LCM निकालेंगे। तो उसके लिए आपको अलग करना पड़ेगा, क्या करोगे, तो सबसे पहले SCF के लिए बात करते हैं, फिर बात हमारा होगा LCM पे, ठीक है ना। पहले बात होगा SCF पे, फिर बात होगा LCM पे। देखो बाबू, आपको सिंपल सा क्वेश्चन जब पूछेगा ना, अगर आपसे सिंपल पूछता है, मान लीजिए क्वेश्चन आपका था 24 और 36, इसका पूछे LCM बताओ, तो आपको तो इसमें आंसर हर तो दिया नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई चक्कर ही नहीं है, तो आपने सिंपल सा आप फंडा लगा दिया, आपके पास तीन रूल था, तीनों रूल में से किसी तरह से आप SCF बता दोगे, जो मेथड आपको समझ में आएगा वो मेथड आप उसको बता दोगे। लेकिन अगर आपसे वो पूछता है फ्रैक्शन वाले, यानी जिसमें न्यूमरेटर आ जाए, डिनोमिनेटर आ जाए,
तब आप क्या करोगे? तो फ्रैक्शन में तो आप जाहिर से जानते हो कि ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी उसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर यानी कि उसको हर बोलते हैं। लेकिन जब वो पूछ दे तो आप करोगे क्या? तो आपसे अगर एस सी एफ पूछा है तो सिंपल से आप लिखते हो एस सी एफ में एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब क्या होता है? अंश, एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है? हर। मतलब क्या है कि जब आपसे किसी फ्रैक्शन का वो पूछता है निकालिए एस सी एफ, तो आप कहोगे एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या हो 4/6 और दूसरा हो 5/6/8, अब पूछे इसका एस सी एफ बताइए, तब क्या करोगे? तो आपका सिंपल सा फंडा है एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले का न्यूमरेटर अंशों का आप एस सी एफ निकाल के ऊपर लिख दोगे और नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर का हर का एलसीएम निकाल के नीचे लिख दोगे इसका एलसीएम यहाँ पे, और दोनों में डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वही आपका आंसर। तो इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, अच्छे से नोट करिए। वही बात अगर आपसे एलसीएम के बारे में पूछे कि एलसीएम बताइए कैसे निकलेगा, तो वही काम करो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश का एलसीएम और नीचे एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि हर का एच सी एफ, यानी वही काम है, ऊपर वाला ही है नीचे वाला ही है, दोनों को उसी तरह से हम कर लेते हैं और कोई हमारा नंबर अलग नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एच सी एफ, तो जो आपसे पूछे उस आधार पे आप कर सकते हो। आपसे एच सी एफ पूछे, एलसीएम पूछे, आप आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अपने करोगे। इसको आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। टेक योर टाइम प्लीज, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चन अपने बुक का एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है 6/20 का अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि, तो 6 का अलग से करते हैं और 20 को अलग से करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 से 3, 3 से 1, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। लिख लेते हैं यहाँ पे 6 का क्या आया है 2 into 3, 20 का क्या आया है यहाँ पे 2 into 2 into 5, लिख सकते हैं 2 पे 2 into 5। चलिए आते हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेते हैं एक ही जगह। क्या कहता है आपको एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन, जो सबसे छोटा कॉमन है, तो सबसे छोटा कॉमन मतलब करते क्या थे, पावर देखते थे ना, और जो अधिक पावर होता था उसको लिखते थे एलसीएम में, याद रखना अभी पीछे बोला गया, जो अधिक पावर होता है उसको लिखते हैं। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, जो सबसे बड़ा पावर है वो कितना है 2 पे 2, तो 2 पे 2 इनटू, ये काम खत्म हो गया, 2 वाला काम खत्म हो गया, बचा क्या है 3 नोट कर देंगे, बचा क्या है 5 नोट कर देंगे। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 पे 2 एंड 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना आ गया 60, यानी जो इसका एलसीएम निकल के आएगा वो कौन सा होगा 60। दूसरा एचसीएफ जो कॉमन होता है, कॉमन में भी क्या कहा गया था, जो सबसे छोटा पावर होता है, तो 2 और 1 है तो कॉमन क्या हो जाएगा 2, तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा 2, तो इस तरह से इसका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि 96 एंड 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम, 96 एंड 404, इसका एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना, फिर वही काम 96 को एक जगह 404 को एक जगह, कोई डी सुनिए 2 से डिवाइड होगा 248, फिर 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 से 202, 2 से 101, वाओ, देन 101 से डाइट डिवाइड होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 96 का 1, 2, 3, 4, 5, लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 3, यहाँ पे लिख सकते हैं 404 का, यानी लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 101। सबसे पहले एलसीएम, देन एचसीएफ,
दोनों निकालना था, दोनों निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ा पावर, तो बड़ा पावर कितना है 2 पे पावर 5, बचा क्या है यहाँ पे 3, और नीचे से क्या बच गया 101। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो छोटा पावर होता है उसको लिखते हैं, तो छोटा पावर कितना है 2 पे पावर 2, कॉमन के लिए 2 पे पावर 2, तो इसका एचसीएफ जो आ जाएगा वो 4 हो जाएगा। एलसीएम के लिए निकालेंगे, जो सब निकाल के हमारे पास आंसर आएगा, तो निकालने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर 9696, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपका था एग्जांपल नंबर 7, ये 6 था ये 7 था। नेक्स्ट कह रहा है एग्जांपल नंबर 8, कह रहा है कि 672 और 120, इसका आप निकालिए एलसीएम और एचसीएफ, 672 और 120, वही काम कीजिए, 6 का 72 का 120, 2 से 3, 3 से 1, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3, 3, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, ये हो जाएगा 6 का 2 into 3, 72 का हो जाएगा 1, 2, 3, 2 पे 3 into 3 पे 2, उसके बाद से 120 का हो जाएगा 1, 2, 3, यानी पे 2 पे 3 into 3 into 5, आपका एक निकालना है एलसीएम, दूसरा निकालना है एचसीएफ। चलिए एचसीएफ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पे 3 नंबर है, तो 3 नंबर है, इसका मतलब जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, तो कॉमन क्या हो रहा है तीनों में, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यानी ये दोनों कॉमन है, तीनों में देखना पड़ेगा, 2 रहता तो 2 में 3 है तो 3 में। अब इसमें करते क्या थे, सबसे छोटा पावर लेते थे, तो सबसे छोटा पावर कितना है 2 into, इसमें सबसे छोटा पावर कितना है 3, यानी इसका जो एचसीएफ निकल के आ गया वो हो गया हमारे पास 6। अब आते हैं इसके एलसीएम के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका एलसीएम कितना हो सकता है। जब बात करते हैं एलसीएम में तो सबसे बड़ा पावर देखते हैं, तो 2 पे पावर कितना है 3, 3 पे पावर कितना है 2, बचा क्या है 5, मल्टीप्लाई कर लो 2 पे पावर 3 मतलब 8, 3 पे पावर 2 9, 8 9 या 72, और 72 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 36 एंड 360। इस तरह से ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन क्लास भी समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले में, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। आशा करते हैं आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो आप अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लेंगे और अपने कॉपी में नोट करते हुए नोट्स बनाते हुए चलेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही करते हैं, कॉफ़ी है, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।